तो UFC 286 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइट होने वाली है। मैं यहाँ पर उस्मान वर्सेस लियोन एडवर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये फाइट तो है ही इंटरेस्टिंग। इसके अलावा एक और ऐसी फाइट है जो कि फाइट फैंस को काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड करके रख रखी है, और वो फाइट है रफाइल फिजी वर्सेस जस्टिन गैची। और ये फाइट दो मेन रीजन से बहुत ज़्यादा फेमस है। फर्स्ट थिंग तो ये है कि इसमें दो स्ट्राइकर्स फाइट करने वाले हैं, दो हाई लेवल स्ट्राइकर्स जो कि अपने नॉकआउट्स और अपने पंचिंग पावर के लिए जाने जाते हैं। जस्टिन गैची जो कि एक हाईलाइट रील है खुद के अंदर, उसकी हर फाइट इंटरेस्टिंग जाती है भले वो जीते या हारे। और रफाइल फिजी और वो है वन ऑफ द बेस्ट मुअ थाई किक बॉक्सर्स इन द वर्ल्ड जो कि फाइट करने वाला है। और दूसरा रीजन जिसके कारण ये फाइट इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही है क्योंकि इससे लाइट वेट डिविजन का फ्यूचर डिसाइड होगा, क्योंकि हम देख सकते हैं जस्टिन गैची पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है कि वो इस फाइट को कैसा परफॉर्म करते हैं, और इससे उनका कैरियर डिसाइड होगा कि वो आगे भी UFC के लिए टाइटल कंटेंशन कर सकते हैं कि नहीं। अगर रफाइल फिजी इस फाइट को जीतते हैं तो डेफिनेटली ये प्रूव हो जाएगा कि जो रेयर जनरेशन का जो न्यू एरा के जो लाइट वेट्स हैं वो ज़्यादा कैपेबल हैं और ज़्यादा हंगरी है, और वो डेफिनेटली टाइटल कंटेंशन कर सकते हैं। तो अब हम फाइट की बात करते हैं। देखो फाइट 4-5 दिनों में है और ऑलरेडी हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैश टॉक हो रही है सिर्फ एक साइड से, और ट्रैश टॉक हो रही है रफाइल फिजीव के कॉर्नर से। आप देख सकते हो रफाइल फिजीव यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैश टॉक ऑलरेडी कर रहे हैं जस्टिन गैची को, कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि उनके साथ प्ले करेंगे, और रफाइल फिजीव का ये कहना है कि वो सीधा सीधा जस्टिन गैची को हरा देंगे, और इसमें वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। वो जिस माध्यम से चाहें, जो जिस तरीके से चाहें, वो उस तरीके से जस्टिन गैची को हरा सकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जस्टिन गैची सिर्फ ब्रॉलिंग करते हैं और उनकी स्ट्राइकिंग उतनी हाई लेवल नहीं है। ये कहना है जस्टिन गैची के लिए रफाइल फिजीव का। और यार देखो ये सारी एम्बेडेड के और काउंटडाउन वगैरह में भी रफाइल फिजी अपने आप पे कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, और उनके हिसाब से जस्टिन गैची का अब टाइम खत्म हो चुका है लाइटवेट डिवीजन में, और उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी ले लिया। और उनके लैंग्वेज में कहे तो उनको एक तरीके से बीटअप करना है जस्टिन गैची को, वो एक बीटिंग पुट डाउन करना चाहते हैं जस्टिन गैची के ऊपर। तो आप सब भी देखिए, ट्रैश टॉक अच्छी चीज़ है अपने अपोनेंट के। बहुत सारे लोग जब ये हाई लेवल फाइट होती है और हाई लेवल फाइटर्स होते हैं, और स्पेशली UFC का लेवल भी बहुत ज़्यादा ऊपर रहता है और ये टॉप के डिवीजन की फाइट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर ट्रैश टॉक्स होती हैं। हाई लेवल फाइट्स में ट्रैश टॉक कोई नई चीज़ नहीं है, एक फाइटर दूसरे फाइटर को हमेशा ट्रैश टॉक करता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमेशा नोट करने वाली होती है, ट्रैश टॉक बहुत टाइम पर ऐसा होता है कि बैक फायर कर जाता है। कुछ ही फाइटर्स हैं जो कि हमने देखा है UFC के अंदर जो ट्रैश टॉक को अपने बेनिफिट में यूज़ करना चाहते हैं और अपने बेनिफिट में यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो ट्रैश टॉक जब फेक फाइटर करता है और कुछ ज्यादा ट्रैश टॉक करने लग जाता है तो वो चीजें उसके दिमाग में बैठ जाती है और वो चीजों को वो कहीं ना कहीं बिलीव करने लग जाता है, जिसके कारण फाइट में उस चीजों के लिए उसको भुगतना पड़ता है। तो रफाइल फिजीव जो ये बातें कर रहे हैं कि वो जस्टिन गैची को पीट देंगे, ये कर देंगे, ये सिर्फ ट्रैश टॉक के लिए कह रहे हैं और फाइट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहे हैं, तब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सच में इस चीज को बिलीव कर रहे हैं और वो ये चाहते सोचते हैं कि जस्टिन गैची उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट कर सकता स्ट्राइकिंग में, और जस्टिन के साथ वो पॉकेट में रहकर स्ट्राइकिंग कर सकते हैं और वो जस्टिन के साथ प्ले करेंगे या खेलेंगे जस्टिन के साथ ऑक्टागॉन के अंदर, तो आपको सबको पता है कि जस्टिन गैची किसी भी टाइम पे नॉकआउट वगैरह निकाल सकता है। वो हाईलाइट रील एक रीजन के कारण उसको बोला जाता है और वो कभी भी हाईलाइट्स प्रोड्यूस कर सकता है किसी भी फाइटर के आगे। तो डेफिनेटली यहां पर जस्टिन गैची को बिल्कुल भी लाइटली नहीं देना चाहिए रफाइल फिजीव को, अगर उन्हें और भी आगे जाना है इस डिवीजन में। ट्रैश टॉक बैक फायर करना है, अगर आपको एग्जांपल देना ही है तो आप जस्टिन गैची का खुद ही एग्जांपल देख सकते हो कि उसके ट्रैश टॉक कैसे बैक फायर करी थी उसकी लास्ट फाइट में, जब उसने चार्ल्स ओलिवेरा को चैंपियनशिप के लिए कंटेंड करा था। पूरे फाइट के बिल्डअप के टाइम पे जस्टिन गैची ने चार्ल्स ओलिवेरा को क्विटर बोला, उसको पता नहीं क्या क्या बोला कि उसका स्ट्राइकिंग अच्छा नहीं है, वो क्विट कर देता है, उसकी चिन वीक है वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें बोली, और कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि जस्टिन गैची काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड था उस फाइट में, वो खुद की चीजों से ज्यादा ट्रैश टॉक करने में बिलीव करता था और उसने ये सारी चीजें बोली और उसको लगा था कि फाइट में भी ये सारी चीजें होंगी, लेकिन हमने देखा फाइट किस तरीके से प्ले आउट। चार्ल्स ओलिवेरा ने ना कि वहां पर सिर्फ नॉकडाउन करा, उसको नॉकडाउन करके समिट करवा दिया और इनफैक्ट जस्टिन गैची को क्विट करवा दिया फाइट में। तो ये देख सकते हैं कि बैक फायर कितनी ज्यादा करी ट्रैश टॉक जस्टिन गैची के ऊपर, जो खुद चार्ल्स ओलिवेरा को क्विटर बोल रहे थे, उन्होंने खुद समिट करा फाइट में और वो भी फर्स्ट राउंड के अंदर, उनको एक ह्यूमिलेटिंग लॉस लेना पड़ा। तो भाई यही है एक प्राइम एग्जांपल, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैक फायर कितनी ज़्यादा करती है ट्रैश टॉक, और ट्रैश टॉक सिर्फ फाइटर को ऊपर ऊपर से करनी चाहिए बस एक दूसरे को पोक करने के लिए और थोड़े बहुत मेंटल गेम्स खेलने के लिए, लेकिन कभी भी उस चीज़ को बिलीव नहीं करना चाहिए जो वो बोल रहे हैं, और हमेशा अपने फाइटर को पूरा ड्यू रिस्पेक्ट देना चाहिए और हमेशा एक फाइटर को इस हर फाइट को ऐसे लेके चलना चाहिए कि सामने वाला फाइटर ज़रूर से ज़रूर उनको हरा सकता है और डेफिनेटली ये सारे क्रेडेंशियल्स रखता है। तो यार देखिए रफाइल फिजीव होगा बहुत तगड़ा मुआथाई बॉक्सर, हम उसे डिनाई नहीं
कर रहे हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स मैं कह सकता हूँ इस टाइम पे लाइट वेट डिविजन में। लेकिन हमें एक चीज़ और नोटिस करनी पड़ेगी, जस्टिन गेची ऑन अ गिवन डे किसी को भी नॉकआउट कर सकता है, ये चीज़ प्रूवन फैक्ट है। भले ही उसका रिसेंट रन थोड़ा अच्छा नहीं गया होगा, लेकिन हम ये भी देख सकते हैं कि जस्टिन गेची सिर्फ हारा टॉप लेवल के फाइटर्स से ही है। और अगर आपको याद हो तो जस्टिन गेची की पिछले से पिछली फाइट जो उसने माइकल चैंडलर के साथ लड़ी थी, वो मुझे वन ऑफ द बेस्ट जस्टिन गेची लगा था जो कि अभी तक उसने कैरियर में, मैंने उसका जब तक फॉलो करा है। क्योंकि आप उसमें देख सकते हो जस्टिन गेची ऑब्वियसली एक अग्रेसिव स्ट्राइकर है, ब्रॉलिंग वगैरह पे विश्वास रखता है, लेकिन उस फाइट में माइकल चैंडलर के अगेंस्ट उसने अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल्ड रखा, एक कंपोजर में फाइट करा। हाँ, आप ब्रॉलिंग कर सकते हो डेफिनेटली, पूरा गार्ड एकदम टेक्निकल स्ट्राइकिंग कर रहा था, सीधा जाके पंचेस लेफ्ट हुक राइट हुक नहीं थ्रो कर रहा था जैसे उसने चार्ल्स ओलिवेरा के साथ करा। अगर हमने ये सेम जस्टिन गेची जो कि कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ लेके आ रहा है और राफेल फिजीव के साथ देख लिया, और ये फाइट में अगर जस्टिन गेची इस माइंडसेट के साथ आता है कि उसको अपना अग्रेशन कंट्रोल करके रखना है और एक टेक्निकल फाइट लड़ता है आईक्यू के साथ, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम देख सकते हैं कि राफेल फिजीव को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली है। वो लोग अभी जस्टिन गेची को पूरी तरह से काउंट आउट कर रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम रिसेंसी बायस भी देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज कि वो चार्ल्स ओलिवेरा से हार गया तो लोग अब उसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे। तो बिल्कुल से अगर जस्टिन गेची कंट्रोल्ड अग्रेशन के साथ फाइट आईक्यू के साथ खेलेगा और अपने कोचेस की बात मानेगा फाइट के टाइम पे, तो हम देख सकते हैं कि राफेल फिजीव का ये जो मैचअप है उसके साथ काफ़ी क्लोज हो सकता है। और देखो, यहाँ पर मैं फिजीव को बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है कि वो कितना हाई लेवल स्ट्राइकर है और उसकी फाइट्स मैंने फॉलो करी है, वो बहुत ही टेक्निकल फाइटर है और शायद ही सही उससे ज़्यादा भी टेक्निकल स्ट्राइकर कोई है लाइट वेट डिविजन में। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करोगे, आप मुआ थाई अलग होता है, किक बॉक्सिंग अलग होता है और एमएमए एक बहुत ही अलग स्पोर्ट है। भले आप किक बॉक्सर हो, बहुत वर्ल्ड के बहुत ही तगड़े किक बॉक्सर हो, लेकिन एमएमए में बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो कि आप सबको कंसिडर करनी पड़ेंगी। और राफेल फिजीव के साथ एक चीज है, उनके कैरियर का रिकॉर्ड आप देखोगे तो 6-1 है। एक उन्होंने नॉकआउट लॉस लिया है और वो नॉकआउट लॉस आया था स्टैंडिंग स्ट्राइकिंग में, एक बंदे ने उनको नॉकआउट कर दिया था और ये नॉकआउट लॉस का सीधा सीधा ये रीजन माना जाता है। आप देखिए, किकबॉक्सर बहुत अच्छा है, लेकिन राफेल फिजीव का एक चीज कहा जाता है, वो अपनी मूवमेंट को थोड़ा प्रेडिक्टेबल कर लेता है। जो एल शेप एंगल बनाया जाता है, वो जो फाइटर्स अपने लेग से बनाते हैं मूवमेंट करते टाइम, वो उतना अच्छा नहीं कर पाता और काफी प्रेडिक्टेबल हो जाता है। तो ये चीज जो मैं कह रहा हूँ कि अगर गेची आईक्यू के साथ फाइट करेगा और ये सारी ओपनिंग्स अगर वो राफेल फिजीव की स्ट्राइकिंग में खोज लेगा और इस पर कैपिटलाइज करेगा, तो राफेल फिजीव को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर। क्योंकि राफेल फिजीव को हमने देखा है कि उसकी फाइट्स में काफ़ी सारे, बहुत सारे लोगों ने भी ये पॉइंट आउट करा है, एमएमए के एक्सपर्ट्स ने जो कि स्ट्राइकिंग के एक्सपर्ट्स हैं, कि उसको मूवमेंट में ज़रूर प्रॉब्लम, उसके हैंड्स अच्छे हैं लेकिन उसके लेग्स उतने ज़्यादा कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते उसके हैंड्स के साथ। तो डेफिनेटली ये सारी स्ट्राइकिंग की जो ओपनिंग्स है राफेल फिजीव के भी गेम में है। कोई भी परफेक्ट स्ट्राइकर या परफेक्ट फाइटर नहीं होता और वहाँ पर उस टाइम पर कौन किसके ऊपर कैपिटलाइज कर देता है, ये उस पर बेनिफिट करता है उसको। लेकिन एक चीज़ का क्रेडिट राफेल फिजीव को ज़रूर से देना पड़ेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल स्ट्राइकर है अभी इस डिवीजन में। डेफिनेटली उसके सेटअप्स, उसके फेंट्स इतने ज्यादा है कि आपको किस टाइम पे कब फाइटर का पंच लग जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और सिर्फ ये टेक्निकलिटी वो फर्स्ट सेकंड राउंड में नहीं रखता, वो पूरे 5 राउंड इस टेक्निकलिटी और इसी पेस के साथ फाइट कर सकता है। हमने उसकी लास्ट फाइट देखी राफेल डोस एंजोस के आईडीए को, उसने 5th राउंड में जाके नॉकआउट कर दिया था। आप देख सकते हो वो फाइट 2-2 इक्वल चल रही थी 4th राउंड तक, लेकिन उसने 5th राउंड में हमें कार्डियो का देखा। कार्डियो राफेल फिजीव का बहुत ही बेटर था एज कम्पेयर टू आरडीए। आरडीए उस समय तक थक गया था, और देखो जब आदमी थक जाता है और जब फाइटर थक जाता है तो डेफिनेटली काफी सारे मिस्टेक्स करने के लिए प्रोन हो जाता है। आप जो टेक्निकलिटीज आप फर्स्ट राउंड में कर रहे हो, अपना गार्ड एकदम इंटैक्ट रख रहे हो, अपने हाथ ऊपर रख रहे हो, सारी चीजें, वो 5th राउंड में जाते जाते थोड़ा कम हो जाता है। तो राफेल फिजीव को कार्डियो का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जस्टिन गेची को शायद से कार्डियो का प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर राफेल फिजीव सबसे ज्यादा टेक्निकल स्ट्राइकर है लाइट वेट डिविजन में, तो सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज जस्टिन गेची के एडवांटेज में यह आती है कि वो सबसे टेक्निकल लेग किकर है। आप देख सकते हो जस्टिन गेची की लेग किक्स डिवास्टेटिंग, और मेरे हिसाब से जो एक्स फैक्टर रहेगा जस्टिन गेची के हिसाब से, वो होगा कि वो लेग किक्स को कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर पाते। अगर वो लेग किक्स को सही से यूटिलाइज करेगा तो काफी ज्यादा बेनिफिट हो सकता है जस्टिन गेची को इस फाइट में। क्योंकि देखो, आप भले राफेल फिजीव हाई लेवल किकबॉक्सर्स है, उसकी लेग्स उतनी ज्यादा प्रिपेयर्ड है लेग किक्स के लिए, लेकिन वो जो काफ मसल होती है वो सबकी सेम होती है, वो छोटी सी मसल होती है। अगर वो डैमेज कर दी आउटसाइड लेग किक से,
जस्टिन गेजी ने स्टार्टिंग में, तो अगर उनके लेग्स डैमेज हो गए तो काफ़ी हद तक उनकी स्ट्राइकिंग को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है फिजीव की, और वहाँ पर जस्टिन गेजी इसको डेफिनेटली कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो उनकी मूवमेंट में जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा इमोबिलाइज हो जाएंगे रफेल फिजीव। और आप सबको पता है कि एक स्ट्राइकर के लिए उसके लेग्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो भी पंचिंग पावर किक्स वगैरह होती है सब में लेग्स की यूज़ होता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक चीज़ जो है जस्टिन गेजी यूज़ कर सकते हैं अपनी आउटसाइड लो लेग किक्स जो जस्टिन गेजी मारते हैं वो अपनी तरीके से यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा इस फाइट के अंदर। तो भाइयों यही सारी थी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशंस जो मैंने करी हैं अभी तक रफाइल फिजीव और जस्टिन गैची के इस इंटरेस्टिंग मैचअप में, जो कि एक स्ट्राइकर वर्सेस स्ट्राइकर की फाइट देखने को मिलेगी। तो आप सबका क्या ओपिनियन है इस बारे में, क्या आपको लगता है कि जस्टिन गैची सच में रफाइल फिजीव को हरा सकते हैं या रफाइल फिजीव पूरी तरह से बीट डाउन कर देंगे जस्टिन गैची को? तो जो भी आपका ओपिनियन हो प्लीज़ मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में शेयर करके ज़रूर से बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टिल देन मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।